Incident confirmed how unsafe India is for women. I was a solo traveler, but just behind me were a group of 12 to 15 youngsters. Seems like they were all working in the same company and they came for a colleague's wedding. The group even had three ladies. As they were boarding the flight, some of them were commenting on the air hostesses. Once they sat, one guy said he could get the air hostess to buckle his friend up. Then he accepted the challenge and calls the air hostess to, and tells her, The buckle isn't working properly. Can you help? She politely buckles his seat, which had no issues. When she goes away, they cheer for him, and that shockingly included the ladies who were also traveling in that group. They were calling some of them, Sir. Which means some senior in the company. Not a single person in the group objected, and even the woman found it funny to degrade the air. This is on the back of what just happened in Jharkhand recently, which has shook the entire India with the Spanish biker couple where the women was gang raped by seven men. The culprits got caught and pretty sure they are going to be hanged post trial, but this just shows how unsafe our country is and how casually we take safety for women in India. Also, I just wanted to mention this wasn't an in, uh, incident of a Bimaru state, uh, but South India. Achha, Bimaru state ka hai Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, and UP. But South India, and the group wasn't a group of un

से वापसी पे आई बिलीव ओके वापसी पे ये मेरी पॉडकास्ट सुनते हुए जाते हैं माशाल्लाह, वेरी हार्ट वार्मिंग अच्छा जी फर्स्ट थिंग फर्स्ट एयर या एयर होस्टेस जो जो टर्म है ये थोड़ी सी है एंड दिस इज हाउ वी लर्न मैंने अपनी एक फ्रेंड जो कि वो इसी प्रोफेशन में है उसके साथ बातों बातों में वर्ड मेंशन किया एंड शी वी आर नॉट इन द सिक्सटीज इट्स कॉल्ड फ्लाइट अटेंडेंट ये पुराना वर्ड है पसंद नहीं किया जाता सो प्लीज मै यू मेंशन

वो कर रही तो वो समझते हैं अच्छा एक हमारे मसला भी वो यही है थैंक्स टू ऑल द गोविंदा मूवीज के हंसी तो फसी। तो वो जस्ट बिकॉज उसका काम है पोलाइटली बात करना या स्माइल पास करना तो वो समझते हैं कि जी तो मेरे से सेट हो होगी और फिर दूसरा ये कि फिल्मों ने भी काफी ज्यार किरदार अदा किया है आई रिमेम्बर अंजाम थी शाहरुख खान की जिसमें माधुरी जो है माधुरी डिक्शन वॉज फ्लाइट अटेंडेंट एंड एंड लाइक यू नो

फ़्लाइट uh, अटेंडेंट की ठीक है और वो उसको कह रही थी कि इसको डिलीट करो वो नहीं कर रहा था तो उसने उसका फ़ोन छीना और जहाज़ में काफ़ी शोर हुआ और बदमजगी हो गई और उसके बाद उसने उसका फ़ोन छीन के चीज़ें डिलीट की और अच्छा उस वक्त तक मैं इतना मशहूर नहीं था बट थोड़ा बहुत नोन ज़रूर था एंड शी हैड मी तो वन शी केम टूर्ड्स टूवर्ड्स मी टू सर्व तो वो रो रही थी सिस्कियाँ ले रही थी तो मैंने उसको बोला कि आप uh, इस चीज की कंप्लेन क्यों नहीं करती उतर तो के तो कह रही है यही अगर हम जद्दा में लैंड हो रहे थे पाकिस्तान, तो वाले हंसेंगे uh, या ए एस एफ थी आई डोंट नो हुआ बिकॉज ए एस एफ इज एयरपोर्ट सिक्योरिटी वो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी एफ आई ए ये सारे मामला देखती है एविएशन के तो वो कह रही है वो आगे से हंसते हैं और टाल मटोल करते कहते तो रोज क्या कोई मसला नहीं आप घर जाए आराम से तो कैरी हमारी कोई सुनता नहीं है सो आई डेंट नो वट व्हाट अकर्ड टू मी और मैंने खड़े होकर उस बंदे के ऊपर कैमरा तान के वीडियो बनाई और उसमें ऑफकोर्स मैं मेरी आ, वो रो रही थी एंड आई वॉन्ट टू हेल्प और मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ अगेन uh, ये बारह तेरह साल पुरानी बात है और फिर मैंने उस बंदे के ऊपर वीडियो बनाई और फिर मैंने उसको मैंने उसको ये बोला विच इज विच इज एन टोटली इनलीगल थिंग टू डू बट ऑफकोर्स आई डेंट नो एनी बेटर मैंने उसको बोला कि मैं एफ आई ए में और तुम नीचे उतरो मैं तुम्हें बताता हूँ और मैंने उसकी वीडियो जो है ना उसको अच्छी तरह कि तुम वीडियो बनाते हो और ये करते हो वो करते हो वो जाायरा वन वेन यू यंग योर हॉट ब्लडेड तो आपके होता है कि जी मैं समाज सुधार करूंगा और दिस दैट मैं कैमरा लेकर उसके मुंह पर खड़ा होगा ऑफकोर्स नाव आई रिग्रेटेड क्योंकि अगर उसको मैं वैसे ही बात करके डर लाइक समझा देता तो शायद वो माफी मांगता इंटरनेट पे डाल दी दी एंड मैंने तो अपने पास से वो डिलीट कर बट बिकॉज uh, इंटरनेट पे एक बार चीज जब डल जाती है वो कहीं जाती नहीं है और वो सारी जिंदगी फिर फैलती रहती है वो मुझे कहीं ना कहीं से वो वीडियो नजर आ ही जाती है किसी ग्रुप पे शेयर ही होती है किसी किस पे अब वो एक बहुत पुरानी वीडियो है अगेन आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट और मुझे अगर वो भाई कहीं मिले मैं उससे ज़ाहिर माफ़ी मांगूंगा मगर ये कि दिस इज वॉट एडेट एंड आई होप उसको देख के आ, शायद उस एक्सपीरियंस के बाद उसने फिर बाद में ना किया हो आई होप ही लर्न समथिंग अगेन मेरा काम नहीं है जज जूरी और एग्जीक्यूशनर बनना ये बड़ी गलत चीज़ है मैं ऑफ कोर्स जब मैं बार बार कह रहा है एम नॉट प्राउड ऑफ आई हाइडेट बट शायद वो वीडियो देख के और लोग डिटर हुए हुए कि यार जहाज़ में ऐसी हरकत नहीं करते क्या पता कल को हमारी वीडियो ना चल जाए सो so, मकसद यही था अगेन तरीकाकार गलत था मकसद नीयत बुरी नहीं थी मकसद बुरा नहीं था तरीकाकार इलीगल था और सही नहीं था एंड आई एम नॉट प्राउड ऑफ़ इट तो वो एक चीज़ मुझे बड़ी खटकती है और मैं अक्सर सोचता हूँ उस बंदे के बारे में पता नहीं कौन था मैंने लेके वीडियो डाल दी फिर उसके बाद मैंने आज, आज तक ऐसी हरकत नहीं की अच्छा जब वो वीडियो डाली थी तो उसके नीचे उफ इतने लोग उसकी साइड ले रहे थे कि क्या हो गया वीडियो ही तो बनाई थी वो कौन सा नंगी थी दिस दैट अब खैर मैंने तो वो डिलीट कर दी नहीं तो अब मैं आपको वो लिंक बोलता कि आप ढूँढें और उस पर जाके नीचे ज़रा कॉमेंट्स पढ़ें हमारी इस्लामिक रिपब्लिक की आवाम का और अगेन विक्टम ब्लेमिंग हमारा uh, कौमी खेल हॉकी होता था हॉकी तो खत्म हो गया विक्टम ब्लेमिंग है और uh, किस किस्म की घटिया लैंग्वेज ये तो होती ही रहे हैं तो ये तो Uh, आज इस मुल्क में कल उस मुल्क में तो पायलट की रखेल मतलब मैं आपको बिल्कुल जो वर्ड्स से मैं वही बता रहा हूँ इस किस्म की घटिया लैंग्वेज उसमें यूज़ की थी एंड दैट्स हाउ आई बिकेम फ्रेंड विद दैट पर्सन जिनका मैं बता रहा था फ्लाइट अटेंडेंट बिकॉज शी रिलेटेड टू वेड से बोला यार ये बड़ा होता है एंड देन शी ऑल्सो टोल्ड मी कि हम सऊदी में जब भी लैंड होते हैं हम तो इतने लोगों को अंदर करा देते हैं इसी वजह से एंड इट्स मोस्टली ऑफकोर्स द लेबर क्लास जिनको नहीं पता जो शायद इन इलाकों से आते हैं जहाँ पे औरत नज़र ही नहीं आती तो जब पहली बार नजर आती है और वो भी जाहिर है आपने यूनिफॉर्म में जो कि एक रिवायती बुरका नहीं होता जो कि उनके इलाक़ों में होता है तो वो आप से बाहर वो समझते हैं कि हाँ इसकी तो वीडियो बनाना ठीक है और वो बनाते हैं वीडियो फिर हम सऊदी में पकड़वा देते हैं बट पाकिस्तान में इस पर कुछ नहीं होता ऐसे अभी मुझे बात याद आई वो इंडिपेंडेंट उर्दू था या पता नहीं किसकी एक वीडियो आई थी अभी कि औरक एजेंसी में एक लाख दस हजार लोग सयाही मकाम पर आए और उन्होंने बहुत तफरी की ईद के दिन और जब मैंने वीडियो देखी उसमें ना कोई औरत नजर आई ना कोई छोटी बच्ची नजर आई तो मेरा दिल किया कमेंट कर दूं कि भाई इसको हेडिंग को चेंज करके एक लाख दस हजार मर्द कर दें क्योंकि मर्दों ने इंजॉय किया वहां इंसान दूसरे तो और है ही नहीं सो सो या आई मीन लाइक देर आर पीपल अगेन मैं कोई पिन पॉइंट नहीं कर रहा किसी एक सूबे को या एक कौम को मैं इस तरह के बहुत सारे इलाकों में पाकिस्तान में आपको इसी तरह का मिलेगा आपको औरत बुरे वाला में आपको औरत नहीं दिखेगी माई माई गुड फ्रेंड इज़ फ्रॉम देयर वो यही बोलता है हम बाहर निकलते देस जस्ट नो वुमेन नॉट एट ऑल तो इनविजिबल होती हैं सो ज़ाहिर है so, जब इस माशरे से लोग निकलेंगे अब खैर बात इंडिया से शुरू हुई थी मैं कहाँ लेकर चला गया सो uh, लाइक so, like, तंग माशरों में फिर यही समझाते हैं सो या कमिंग बैक टू द पॉइंट कि फिल्मों से हमने यही सीखा है और फिर एक ज़बान जद आम कि हाँ भाई ये एयरसिस uh, जो है फ़्लाइट अटेंडेंट जो है uh, वो बिकॉज वो दूसरे मुल्क में जाती है तो उनका पायलट के साथ चक्कर भी होता है तो जब उनके साथ होता है तो मेरे साथ भी होगा और या फिर ये कि ईजी ईजी कैच है तो हमने तो उनको ऐसे ही ट्रीट करना है सिमिलरली uh, वन इट कम्स टू अल्कोहल हमने ये भी देखा है लोग आपसे से बाहर हो जाते हैं अगेन टिकट खरीदा टिकट नहीं ख़रीदा बोइंग सेवन फोर सेवन खरीद लिया बशशमूल पूरे क्रू के तो अभी हमारे नौकर हैं वो शराब भी मांगते हैं इस तरह बहुत जिद करते हैं और फिर हमने देखा है कि इस तरह उनको टेम किया जाता है क्योंकि ज़्यार कस्टमर भी नहीं ख़राब करना लेकिन ये कि फिर इतना भी वायलेशन नहीं करनी कि अगला आउट हो जाए और फिर मसले मसाइल हो जाए हम अक्सर देखते हैं इंडिया से काफ़ी इस तरह की वीडियोज़ आती है एक कैप्टन को थप्पड़ मार दिया था Uh, और फिर वो ज़ाहिर लाइफ टाइम बैन भी हुआ वो बंदा uh, किसी ने समबडी वॉज यूरिनेटिंग इन द प्लान एज वेल काफ़ी इस तरह की वीडियोज़ इंडिया से आ रही हैं और अफकोर्स पाकिस्तान में भी इस तरह के हम देखते हैं मामला हो जाते हैं इसकी एक और वजह यह भी है कि ज़ाहिर है द मिडल क्लास इज़ ऑन द राइस स्पेशली इन इंडिया राइट सो वो लोग जो किसी ज़माने में ट्रेन में सफ़र करते थे अब बिकॉज देर अर्निंग मोर तो वो अब जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं फिर वही ज़ाहिर है मैनरिज्म नहीं है और वो अदब अदबाब नहीं है उस जगह के मतलब आप ट्रेन स्टेशन पे तो किसी को मार दो चमाट मगर आप जहाज में समझते हैं कि यहाँ पे भी वही वाली बदमाशी चलेगी जो कि किसी रेलवे स्टेशन पे चलेगी तो कैप्टन को उठा के चमाट मार दिया फ्लाइट लेट थी इस तरह की कोई एक वाकया था सो यू कान डू दैट एंड इसका आप जरा ध्यान रखिएगा बहुत से लोगों को मैंने देखा जहाज में वेप कर रहे होते हैं uh, इतना बड़ा क्राइम है ना धुआं क्योंकि उसके बाद अगर फायर अलार्म बज गया और फ्लाइट लैंड करनी पड़ी और फिर पता चला कि आपके पास हुआ लाइफ टाइम बैन है और फिर जब एक एयरलाइन बैन करती है ना वो डेटा शेयर भी करती है फिर आप हर एयरलाइन से बैन हो और ये इन दैट केस ये जो चमाट मारा था कैप्टन को इस पे एफ आई आर हो गई अब एफ आई आर इतना बड़ा क्राइम होता है आपकी सोच है मैंने पहले भी बताया हमारे बड़े अच्छे दोस्त कंबर नकवी जो कि आ... पुलिस में है साउथ पंजाब में होते हैं और वो टिकटॉक पे बहुत इन्फॉर्मेटिव उन्होंने मुझे बहुत पहले ही कहा था और मैंने काफी वीडियोस में मेंशन भी किया है कि भाई अगर आपका लड़ाई झगड़ा हुआ सड़क पे कोई गाड़ी वाड़ी टकरा गई और आपने उसके बाद आ, सर फाड़ दिया अगले का और उसने एकदम यानी अटेम्प टू मर्डर का एफ कर दी शाम को तो आपकी सुलह हो जाएगी चले जी गलती हो गई खून जोश मार गया था मगर बिकॉज नाव यूर ऑन द रेक आपको दुनिया भर का वीजा नहीं मिलेगा क्योंकि आप जहां भी वीजा अप्लाई करते हैं वो पूरे थानों के सिस्टम पे स्कैन किया जाता है कि जी बंदा

आ, उस पे उसके बाद पकड़े गए वो लोग जैसा कि ईमेल में भी लिखा कि दे विल मोस्ट लाइकली गेट हैंग बट ऑफ कोर्स इसका जो सबसे बुरा इम्पैक्ट है वो ये है कि वो ग्लोबल जाती है वो न्यूज़ उस कपल ने जो वीडियो बनाई थी आई थिंक उस पर दो सौ मिलियन व्यूज़ हैं नाउ इमेजिन इंडिया बीग अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिस जो एक बहुत बड़ा चंग टूरिज़म से कमाता है जब इस किस्म की न्यूज़ जाती हैं अनसे मतलब वमेन सेफ्टी से रिलेटेड कि ना सिर्फ इंडियन विमेन आ, मतलब उनके साथ इंसिडेंट होते हैं जैसा कि हमने देखा दिल्ली क्राइम वाला जो इंसिडेंट काफी मशहूर था काफी शॉकिंग भी था आ, इस तरह की कितनी न्यूज आती हैं एंड ऑफ कोर्स फिर टूरिस्ट के साथ हम देखते हैं अक्सर टिकटॉक और रील्स पे आ रही होती हैं आ, इंडिया और बांग्लादेश की अ वीडियोज के जहाँ पे लड़कियां जो कि बीच पे बैठी हुई हैं तो सामने इतने सारे बांग्लादेश के लोग खड़े हैं उसको देख रहे हैं और उसकी वीडियो बना रहे हैं या फिर कल ही मैंने देखा और इस तरह के हमने बहुत देखी हैं कि दिल्ली गेट के सामने अगर कोई फॉरनर लड़की है या ताजमहल के सामने तो लाइन से इंडियन बॉयज़ जो हैं वो जाके सेल्फ़ी के चाहते हैं और फिर उसके नीचे लिखा होता है लोगों ने कि जी मतलब बॉब वजन दिस दैट मतलब देख एक इंडिया का अगर एक बहुत अच्छा इमेज सॉफ्ट इमेज है बिकॉज ऑफ बॉलीवुड बिकॉज ऑफ आईटी बिकॉज ऑफ द बिग ब्रेंस दे प्रोड्यूस बट एक बहुत बड़ा इंडिया का इमेज ये भी जाता है रेडिट पर आप उठा के देख लें बॉब वजीन हो गया या आजकल एक और बड़ा नेगेटिव इमेज जा रहा है इंडिया का दैट इज स्ट्रीट फूड कि जी वो कितना डायरिया इंड्यूस्ड होता है और किस तरह की आप देख रहे हैं कितनी वीडियोस आ रही हैं सो so, इन चीजों का बड़ा बड़ा असर होता है और इस किस्म की न्यूज जब दुनिया भर में जाती है तो जो लोग सोच भी रहे होते हैं वो भी दस बार फिर सोचते हैं कि यार वी नो वन गो टू अ प्लेस फिर वो ये नहीं देखते कि यार झारखंड और मुंबई की डायनामिक्स कितनी डिफरेंट है वो फिर कहते हैं कि जी सब इंडिया सिमिलरली जैसे पाकिस्तान वेन पाकिस्तान वॉज गोइंग थ्रू द वे ऑफ टेररिज्म तो अगर वो हॉटस्पॉट केपी था या नॉर्थ वजीरिस्तान था तो न्यूज में नहीं आता था कि जी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान

अब जाके फिल्मों में आपको थोड़ा बहुत नज़र आता है लेकिन वही एक एक बहुत बड़ी जनता जो है आ, जो ये चीज़ फॉलो करती है अच्छा अभी मैंने पर, परसों चमकीला भी देखी और मैं फिर यही सोच रहा था कि यार मतलब आ, बिकॉज वेन आई वॉज रीडिंग द लिरिक्स मेरी पंजाबी इतनी स्ट्रांग और, और सिख पंजाबी तो और ज़्यादा यू नो बड़ी uh, सख्त होती है वो समझ ही नहीं आती तो वेन आई वॉज रीडिंग द लिरिक्स तो मैंने बोला नहीं तो बड़े सेक्शुलाइज्ड है और फिर ज़ाहिर फिर वन द फिल्म अनफोल्डेड तो पता चला कि उसका इश्यू यही था कि वो बड़े यू नो एक्सप्लिसट गाने गाता था बट फिर मुझे याद आया कि तो हमारे यहाँ भी यही होता है अब हमारे यहाँ नसीब लाल माशा शी इज़ अ क्वीन नाव एवर सिंस शी इज़ डन कोक स्टूडियो एंड पी एस एल एंथम बट लाइक

थिंक हाँ ये तो चलता है फिल्मों में देखा है कि गोरी तो फॉरन सेट होती है और एक और बड़ी चीज अक्सर बोली जाती है अगेन आई ऑल्सो ग्रू अप इन इन पाकिस्तान और हमारी में जिस तरह के जोक्स होते थे आ, देखो इसमें आपको कसूर नहीं है कि आप कहा पैदा हुए और वहां पर क्या चीज नॉर्मलाइज थी बट यू नो इट्स इंपॉर्टेंट कि आपने उसको अनलर्न करके रीलर्न चीज़ें की कि नहीं की हम भी मजाक उड़ाते थे बहुत सारा उमर शरीफ का आई मैम ह्यूज फैन बट यू नो उनके कितने जोक्स होते थे कि जी ए रोसिस पी आई ए की आई और उसने मुंह धोया तो बच्चे डर गए दिस दैड यू नो हम हंसते थे इन चीज़ों पर बट ऑफकोर्स विद टाइम हमने अंदाज़ा किया और रियलाइज़ किया कि ये गलत चीज़ें हैं so, सो पाकिस्तान में भी ये बड़ा चीज़ पॉइंट की जाती है कि जी यार आई ए की ए रोसिस उतनी बूढ़ी होती है दिस होती है ओ भाई जितनी ज्यादा एजड होती है उसका एक्सपीरियंस ज्यादा होता है अगेन हमने सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन कर दी है फ्लाइट अटेंडेंट्स की कि फ्लाइट अटेंडेंट तो होती ही वही है जो स्लोवाकिया की या मोल्डो मोल्डोवा की साइज जीरो लड़की हो जिसने छ इंच की हील पहनी और यूं चल के जाए और मतलब वाह हो जाए हरी आंखें उसकी वगैरह वगैरह तो फ्लाइट अटेंडेंट इज अ सर्वर इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ इज नॉट अ सेक्शुअल ऑब्जेक्ट मगर अगेन हमने इसको ये चीज़ बना दी है अमेरिकन एयरलाइंस में मैंने सफर किया है यूनाइटेड एयरलाइन में मैंने सफर किया है विद इन अमेरिका वहाँ की फ्लाइट अटेंडेंस पचास पचास पचपन साल की होती अगेन वो ज़्यादा एक्सपीरियंस होती है सो लाइक दिस डिज नो ये कोई बात नहीं हुई कि पी आई वाली बूढ़ियाँ हैं तो इसमें कोई वो एज मे बी अगेन ये आया कहाँ से प्लीज आप लोग जो सुन रहे हैं जो लोग Uh, इस चीज़ में uh, समझ रखते हैं कि क्या ये कल्चर कि ये सेक्सीनेस वाला कल्चर जो है ये ईस्टर्न एयरलाइंस ने इंट्रोड्यूस कराया कि ज़ाहिर है उनको एक uh, वेव बनानी थी इन 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 एन इंडस्ट्री जो कि पहले ही बहुत बड़ी थी तो उन्होंने क्या इस तरीके से वेव बनाई कि भाई हमने बस साइव जीरो यूक्रेनियन लड़कियां रखनी है और फिर उसकी वजह से ज़ाहिर है फिर वो प्रेशर आया दूसरी एयरलाइंस के ऊपर भी कि यार हमें भी इसके हेल्प करने है या फिर दिस वॉज ऑलवेज ऑन गोइंग अगेन आई वॉज नॉट अराउंड एवर एंड आई ओनली स्टार्टेड ट्रैवलिंग बीस साल पहले और इंटरनेशनली तो उससे भी कम सो सो या सो फ्लाइट अटेंडेंट का काम आपको आपकी एयरलाइन का एक्सपीरियंस बेहतर करना और आपको बेसिकली ख्याल रखने का होता है उसका मकसद ये नहीं होता कि जब सारे सो जाएं तो पीछे पर्दा यूं होगा और आप मेकआउट करेंगे ये फिल्मों में होता है चीज़ें ये रियल लाइफ में नहीं होती सो प्लीज़ यू ट्रैवल गिव ड्यू रिस्पेक्ट बिकॉज यू नो कोई भी प्रोफेशन हो जो इंसान जो खाओ मर्द हो या ख़ातून हो जो कि इज्जत से काम कर रहे हैं रो, दो रोज रोटी कमा रहे हैं जस्ट uh, बिकॉज uh, उन्होंने कपड़े uh, जो है ना स्कर्ट वगैरह पहना हुआ है और वो फ्लाइट लेके न्यूयॉर्क जा रहे हैं तो ये चालू नहीं हो जाती बहुत से लोग जाते हैं काम करने तो इसको इस तरह ना सोचा करें कि जस्ट बिकॉज शीज़ ट्रेवलिंग द वर्ल्ड तो फिर ये ऐसी होगी उनको ड्यू रिस्पेक्ट दें अच्छे बुरे लोग हर जगह हर प्रोफेशन में होते हैं और ये बड़ी अफसोस की बात है जैसा कि आपने भी लिखा कि ये पढ़े लिखे लोग थे अगेन हमें uh, बड़ा फ़ख्र होता है टू सी यू नो इंडिया बूमिंग इन एजुकेशन एंड आई सेक्टर बट अगेन दिस इज समथिंग दैट इज़ लैच्ड ऑन जिसको जिससे जान छुड़ाने में शायद हमें एक और नस्ल लग जाए बट अगेन अब विद ऑल दी अवेयरनेस दैट इज़ आउट देयर आई एम श्योर आने वाले वक्तों में ये चीज़ें कम से कम होती जाएंगी मगर इनको हमें ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहिए या यू you नो know, uh, जैसे कि आपने आपको लगा कि आपको ये स्टैंड लेना चाहिए था मे बी आपको खड़े होकर शोर नहीं करना चाहिए था बट आप किसी को एक टैप करके बोलते कि यार दिस इज नॉट नाइस व्हाट यू गाइस आर डूइंग पॉइंट आउट जरूर करना चाहिए ताकि ना अगला फिर सीधा होके बैठ जाए सो so यस yes, uh, 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 इस पे और uh, क्या कहना बनता है कहने को तो बहुत सारी बातें प्लीज गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू फ्लाइट अटेंडेंट्स किसी भी प्रोफेशन में हो जरूरी नहीं है कि वो जस्ट बिकॉज दे आर स्माइलिंग एट यू दैट मीन्स कि वो आपके साथ सेट हो गई है उनका काम है स्माइल करना और उनकी भी जिंदगी आसान करें और अपनी जिंदगी भी बेहतर करें शुक्रिया अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है हमारे YouTube चैनल पर पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा शुक्रिया